ये कैसी लीला है? अद्भुत, ये लगातार बहता जल अवश्य ही प्रभु की कोई लीला है। ये कैसा चमत्कार है आर्यपुत्र, लोटे में जल बहुत कम था किंतु ये जलधारा तो निरंतर बहती जा रही है। प्रभु को इतना आनंदित और प्रसन्न देखने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है, और भोलेनाथ तभी ऐसे दिखते हैं जब वे किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अभी नहीं खा सकता माँ। नहीं मेरे लाल, अन्न प्राशन के पश्चात, और वैसे भी जल अभिषेक के पश्चात सबसे पहले भोग भगवान को ही लगाया जाता है। स्वामी तो यहाँ कैलाश से ही आंजनेय की नटखट और मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, परंतु मैं क्या करूं? मैया, आप गौरी, आपका वाहन गैया और उसका बछड़ा। नंदी, गौरी और गैया तो समझ में आया, परंतु ये बछड़ा बीच में कहां से आया?
मैया वो बछड़ा मैं हूँ। वो क्या है, आंजनी से मिलने की मेरी भी प्रबल इच्छा है, अगर आप आज्ञा दें। जय हो माते। सच में माँ अपनी संतान के प्रेम में क्या क्या नहीं करती। और जब बात जगत जननी गौरी की हो तो कहना ही क्या। हमारा पुत्र ये जो चमत्कार कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसके रहस्य का पता लगाना चाहिए? जन्म लेते ही हमारे पुत्र के शरीर से निकलता हुआ वो अद्भुत तेज, उसके नन्हे पैरों की चोट से धातु पात्र का पचक जाना, उसके गिरने से शिला का टूटना और हवन पर उसके शरीर से निकला वो दिव्य प्रकाश, असाधारण रूप से उसका प्रतिदिन बढ़ना, सोते समय इसकी सांसों से गूंजता राम नाम, और आज का चमत्कार लोटे से लगातार निकली जा रही जल की धारा, आप ठीक कह रहे हैं ना? मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सब चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। किंतु यह रहस्य जानने के लिए किसके पास जाएं? किससे पूछें?